नमस्कार, मैं हूं राकेश सिंह और आप लोग का अनअकैडमी पे स्वागत है। मैं राकेश दिल्ली में 11 वर्षों से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, साथ में यूपीपीसीएस यूपीएससी के मेंस देने का अनुभव और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मेरे इस दिए गए लिंक पे। और सबसे पहले आपको हमारा अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि आप इस क्रांति का हिस्सा बन सके जो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। आइए चलिए सीख जी। तो सेपरेशन के तरीके ये हैं, मैंने चार पांच प्रमुख तरीके लिख दिए सेपरेशन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हमेशा हमको पूछा जा सकता है। पहला है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया के तहत, इसको हिंदी में रवाकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवाकरण। इस प्रक्रिया के तहत मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ये ज्यादातर चीजें अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, रवाकरण में कोई मान लीजिए वस्तु है, उसको ना लगातार ठंडा किया जाएगा, कम टेम्परेचर पे ठंडा करते करते, तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है ना, जिसका क्वथनांक जल्दी आ जाएगा, वो चीजें ठंडी हो जाएंगी और फटाफट उसके दाने बन जाएंगे। कोई चीज जल्दी तो उसके क्रिस्टल बन जाते हैं ना, तो मतलब जो शुद्ध चीज है उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, जो अशुद्ध चीज रहेगी वो पानी बनी रह जाएगी। तो इसका इससे हमको प्योर चीज मिल जाएगी और इम्प्योरिटी अलग हो गई, समझ के। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन। जब तापमान लगातार घटाने से चीजें क्रिस्टल के रूप फॉर्म में हो जाए, रबा बन जाए, दाने दाने बन जाए और अशुद्धि खुद ही पानी में रहती है, तो इससे वो चीज हमको शुद्ध मिल जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रवाकरण कहलाता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस केमिकल प्रोसेस बहुत यूज होता है। अगला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आसवन, आई थिंक इसको आसवन ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्टिलेशन में चीजों को गर्म किया जाता है, ठीक है। चीजों की इसमें जब बॉइलिंग पॉइंट में अशुद्धि में और शुद्ध चीज में जब के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर होता है, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी पदार्थ को मिश्रण को गर्म किया जाता है और गर्मी के साथ साथ उसको धीरे धीरे तापमान में बढ़ता है तो वो चीज उबलने लगती है और उबल के उसको भाप बन जाती है। भाप से फिर हम भाप को ठंडा करके उसमें लिक्विड बना देते हैं और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। शुद्ध चीज हमको मिल जाती है इजीली और जो अशुद्धि रहती है वो नीचे पड़ी रह जाती है, वो बलती नहीं है, वो भाप बनती नहीं, वो वहीं वहीं पड़ी रह जाती है। जो शुद्ध चीज होती है वो भाप बनके दूसरे जगह जाके इकट्ठी होती है और दोबारा लिक्विड होके हमारे काम में आ जाती है, वो फ्री हो गई। ऐसे को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। शराब वगैरह इसी प्रोसेस से बनती है, ठीक है। इसके माध्यम से हम कई चीजें अल्कोहल वगैरह डाल के अलग कर सकते हैं। अगला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का बहुत तगड़ा प्रोसेस है। जो एक कच्चे तेल से जो पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह सब अलग अलग चीज मिलती है वो इसी प्रक्रिया से निकलती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब मिश्रण जो है उसमें कई सारे पदार्थ मिक्स हैं और सबका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा 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 अंतर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही है। तो जब इस प्रक्रिया को हम यूज करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो हीटअप करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर जो चीज हवा बननी है वो तुरंत बन के अलग हो जाएगी। इसीलिए तो कच्चा तेल, इसको कच्चे तेल को इसी प्रक्रिया से साफ करते हैं। जब साफ करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे अलग, एक टेम्परेचर पेट्रोल निकल गया, एक टेम्परेचर पे डीजल निकल गया, एक टेम्परेचर पे केरोसिन निकल गया, एक टेम्परेचर पे पैराफिन वैक्स निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको एक ही पदार्थ से अलग अलग वस्तुएं शुद्ध रूप में मिली और बाकी चारकोल अलग हो गया, समझ गया आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसमें ठोस जो मिक्सचर होता है उसको गर्म किया जाता है और वो सीधे ठोस से भाप बन जाता है, सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है और शुद्ध होकर बाहर निकल जाता है और उसको इकट्ठा कर लेते हैं और अशुद्धियां नीचे रह जाती है। कपूर या नेफ्थलीन को इसी से अलग किया जाता है, नेफ्थलीन को सोडियम से इसी प्रक्रिया से अलग किया जाता है, कपूर को शुद्ध इसी तरीके से किया जाता है कि उसको इतना गर्म करते हैं कि सीधे सॉलिड से भाप बन जाता है, लिक्विड बनता ही नहीं है ना, और उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया, सॉलिड से सीधे गैस बना के प्यूरिफिकेशन की जाती है। और तीसरा लास्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जब एक लिक्विड में कई अलग अलग प्रकार के सॉलिड होते हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया यूज की जाती है। हमारे बॉडी में जो कई मेडिकल प्रोसेस होते हैं वो क्रोमेटोग्राफी से ही चेक किए जाते हैं, कि भाई जैसे लीवर डिजीज वगैरह या हमारे बॉडी में जो एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं उसके उसमें यही प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी की प्रक्रिया को यूज किया जाता है। इसके अलावा भी जो कलर वगैरह को, जैसे कि ब्लू कलर रेड कलर को अलग करना है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। इसको एब्जॉर्ब पेपर पे यूज करके या सिलिकॉन बॉडी के ऊपर इसको आजमा के इस प्रक्रिया के द्वारा फिल्ट्रेशन या सेपरेशन किया जाता है। तो ये सारे क्या है,
ये मिक्सचर मिक्सचर्स को अलग करने की विधाएं हैं। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में दिया करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों का है, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ये बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको वो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने जमा कराया है उसी पर मिलेगी। थैंक यू सो मच।